बैतूल जिले में गुरुवार शुक्रवार की दरमियानी रात एक भीषण हादसा हो गया। यहां बैतूल परतवाड़ा स्टेट हाईवे पर झल्लार से 1 किलोमीटर दूर गुदगांव की ओर एक बस और एक टवेरा जीप की भीषण टक्कर हो गई। हमारे इंडिया न्यूज संवाददाता सचिन पत्रकार ने बताया कि इस हादसे में टवेरा में सवार सभी 11 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में महिलाएं एवं बच्चे भी शामिल हैं। मृतकों में 6 पुरुष 3 महिलाएं और 2 बच्चे शामिल हैं। ये सभी लोग महाराष्ट्र के अमरावती से आ रहे थे। प्रथम दृष्टया टवेरा के ड्राइवर की नींद लगने से दुर्घटना का होना प्रतीत हो रहा है। टवेरा वाहन महाराष्ट्र से मजदूरी कर आ रहे मजदूरों को ला रही थी। मजदूर बैतूल थाना कोतवाली क्षेत्र के गांव से एवं ड्राइवर थाना झल्लार क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाला था। हादसा रात करीब 2 बजे हुआ। जानकारी मिलने पर आज सुबह कलेक्टर अमनवीर सिंह एवं SP सीमाला प्रसाद द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण किया गया। मृतकों के शव को पोस्टमार्टम हेतु अस्पताल भेजा गया है। गावस्कर यादगार होता हूँ। ये कलन गांव से आ रहे थे, बोल रहे थे 2 बजे तक घर पहुँच जाएंगे, बोले आप आगे आगे चलो, बोले मैं गाड़ी से बाइक से आ गया और मैं रात देख रहा था इनका, तो आप पहुँचे ही नहीं। सुबह फोन आया कि मतलब एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, आप आगे निकल गए थे, साथ में आए थे? जी, साथ में गया था, तब पहले आ गया। कितने बजे निकले थे वहाँ से? मैं निकला था 3 बजे दोपहर में। हाँ, और ये लोग कितने बजे निकले? ये निकले शाम के टाइम में। कल रात लगभग 2 बजे थाना प्रभारी झल्लार को सूचना प्राप्त हुई कि एक बस और एक टवेरा वाहन का एक्सीडेंट हो गया है। बस चूंकि खाली थी और टवेरा वाहन में करीब 11 सवारियां थी, जो उनको मौके पर ही एक्सीडेंट जिन लोगों का हुआ था उनको थाना प्रभारी झल्लार द्वारा मौके से अस्पताल पहुंचाया गया और उन्हें वहां पर मृत घोषित कर दिया गया। टवेरा वाहन में लगभग 11 लोग थे ड्राइवर सहित, जिसमें 6 पुरुष 3 महिलाएं और 2 बच्चे थे। अभी सभी लोगों का पोस्टमार्टम कराकर, उनके परिजनों से शिनाख्ती कराकर उनको सब सपोर्ट किया जा रहा है। जो टवेरा और बस का एक्सीडेंट आज कल रात में हुआ है, उसके लिए हम लोगों ने मौका मुआयना करा है और देखा है क्या स्थिति है। इसमें 11 लोग कुल टवेरा में जो ट्रेवल कर रहे थे उनकी मृत्यु हो गई है। अभी BMO को और डॉक्टर्स को मैंने निर्देशित किया है कि तत्काल PL की कार्रवाई करके और जो मृतक हैं उनको हम लोग उनके जो मूल गाँव हैं वहाँ पर तत्काल पहुँचाएँ। अंत्येष्टि राशि के लिए, अनुग्रह राशि के लिए तत्काल हमने कार्रवाई करने के लिए संबंधित विभाग को निर्देशित कर दिया है और ट्रैफिक एक्सीडेंट के अंदर भी जो मुआवजा राशि मिलती है वो भी परिवार को तत्काल स्वीकृत करने के निर्देश दिए। सर, जो मृतक है उसमें कुछ बच्चे भी हैं? 2 बच्चे हैं जिनकी डेथ इस एक्सीडेंट में हुई है। बहुत ही दुखद घटना है जी। हम परिवार के जो भी सदस्य हैं उनको जो भी सहायता दे सकते हैं तत्कालिक रूप से प्रशासन की तरफ से वो राहत दी जाएगी। थैंक यू।